वेलकम क्लास सिक्स सकीना पब्लिक स्कूल। हम अपना चैप्टर टू केमिस्ट्री का चैप्टर टू पढ़ रहे हैं। चैप्टर टू में हमको हमने ये जाना कि मैटर क्या है और मैटर के डिफरेंट स्टेट्स जो उसको कंसीडर करते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे तैयार होती है किसी मैटर की स्टेट और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हमने आपको दो ख़ास बातें बताई थी इसमें याद रखने की हैं। पहली तो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हमने ये बताया था कि मैटर जो है वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। इन टाइनी पार्टिकल्स को एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर किसी किस्म का कोई अट्रैक्शन है तो उसको इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और यही वो अट्रैक्शन है जो इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब रखता है, इन मॉलिक्यूल्स को बांधे रखता है, और इन्हीं की वजह से हम किसी मैटर की स्टेट डिफाइन करते हैं। तो दो बातें हैं, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरी चीज़ है इंटर मॉलिकुलर स्पेस। अगर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होंगे और इंटर मॉलिकुलर स्पेस बहुत कम होगा। अगर बहुत स्ट्रांग इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो फिर ये जो स्टेट डिसाइड होगी वो होगी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अगर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन था वो ज़रा कम होगा और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगे, और इस तरह से मैटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक मोशन पाया जाएगा, क्योंकि इंटर मॉलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन कम होने की वजह से इंटर मॉलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, और ये ज़्यादा स्पेस इस बात को डिसाइड करता है कि ये मैटर फ्लो कर सकता है, और फिर इसकी जो स्टेट कंसिडर की जाएगी वो होगी लिक्विड स्टेट। और अगर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट हो, बहुत कम हो, तो फिर मॉलिक्यूल्स को चलने फिरने की बहुत जगह मिलेगी, यानी इंटर मॉलिकुलर स्पेस, और इस कंडीशन को स्टेट इस मैटर की स्टेट को हम कहेंगे गैसियस स्टेट। तो ये दो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि मैटर की स्टेट क्या है। तो सॉलिड के बारे में हमने बताया कि अगर सॉलिड है तो फिर बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेस एंड और नेग्लिजिबल इंटर मॉलिकुलर स्पेस, उनकी जो शेप है वो डेफिनेट रहती है और उनका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनेट रहता है, और ये शेप इन केस ऑफ लिक्विड इज़ नॉट डेफिनेट, बट द वॉल्यूम इन केस ऑफ लिक्विड इज़ डेफिनेट। आप को मैंने बताया था कि आप एक लीटर वाटर या एक लीटर मिल्क को किसी भी बर्तन में रखें तो वो उस कंटेनर की शेप तो ले लेगा, लेकिन ये जो वॉल्यूम है इसका ये बदलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। तीसरे नंबर पर आती है गैसेस। गैसेस तो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो इनके पास जितनी जगह इनको मिलेगी, मैक्सिमम जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगा वहाँ तक ही पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब इनका कोई वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, और अब चूंकि ये किसी भी जगह फैल जाएंगे तो फिर इनका कोई शेप भी डेफिनेट नहीं होगा। तो सॉलिड डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, गैसेस नो डेफिनेट वॉल्यूम नो डेफिनेट शेप, ये तीन बातें आपको याद रखना। अब इनकी चेंजेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने की कंडीशंस क्या है। तो देखिए, अगर आप, हमने यह लिखा है
मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। मेल्टिंग के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएं या उसको हीट देंगे तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अभी ये सॉलिड है, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो चल फिर नहीं सकते हैं। इनके पास दे आर नॉट हैविंग सफिशियंट स्पेस टू मूव, लेकिन ये वाइब्रेट तो करते हैं बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। ये वाइब्रेट करते हैं एट देयर मेन पोजिशन, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट तो कर सकते हैं। बट वेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर एक रोल प्ले करता है, इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ती है तो मूवमेंट या मोशन बढ़ता है, और जब ये बढ़ता है तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और जगह बढ़ती है, स्पेस बढ़ता है, और ये फिर ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। और जब और ज़्यादा गर्म करते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इनका वाइब्रेशन मूवमेंट में बदल जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो मेल्ट हो जाता है, पिघलने लगता है। तो ये मेल्टिंग है। मेल्टिंग के लिए, हर सब्सटेंस के लिए, हर मैटर के सब्सटेंस के लिए एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, और इसको कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर। जैसे आइस का मेल्टिंग टेम्परेचर, जब आइस का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका उसकी मेल्टिंग होने लगेगी, तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो ये मेल्टिंग है। उसके बाद दूसरा है वेपराइजेशन। देखिए, वेपराइजेशन में थोड़ा सा हमने लिखा है यहाँ पर, वेपराइजेशन के दो हिस्से, बॉइलिंग और इवोपरेशन। तो देखिए, अगर हम वेपराइजेशन को सिर्फ बॉइलिंग के रेफरेंस में देखेंगे तो पता ये चलेगा कि अभी जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया था उस टेम्परेचर को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो एक टेम्परेचर का पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो जो मेल्ट होके लिक्विड बना था वो बॉयल होने लगेगा। तो बॉयलिंग जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर उसके लिए चाहिए। जैसे वाटर का बॉयलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉयलिंग पॉइंट भी 100। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, बॉयलिंग जब बॉयल होता है तो भाप बनती है, स्टीम। तो वेपराइजेशन या बॉयलिंग का एक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस इफ द वाटर इज प्योर, और ये फिर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स वेपराइजिंग। तो वेपराइजिंग यानी वेपर्स बनने लगते हैं। तो अब देखिए, इसको दो चीज़ें हमें समझ लेना चाहिए। एक तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स का बनना, वेपर्स एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे, और इसी सिलसिले में, तो उसके लिए फिक्स टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, पूरी बॉडी बॉयल करती है वाटर की, जितना पानी हमने रखा है पूरी बॉडी में हलचल देखने को मिलती है। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है, वो है इवोपरेशन, जिसके लिए किसी खास पॉइंट टेम्परेचर के पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में तालाब भर जाते हैं, लेकिन उसके बाद गर्मी आती है, गर्मी पड़ती है, तो फिर उनका लेवल जो है कम होने लगता है, यानी पानी जो है वो गायब हो रहा है कहीं। तो ये पानी जो है उसकी सतह से, उसकी सरफेस से वेपराइज होता है, भाप बन के उड़ने लगता है एटमॉस्फेयर में, और उसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। तो इस प्रोसेस को, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड और वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन। और इस इवापोरेशन में जो प्रोसेस शुरू होता है वो लिक्विड के सरफेस से ही शुरू होता है, होल बॉडी इज नॉट इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि पानी जो है तालाब में अंदर अंदर खोल रहा हो, उबल रहा हो और फिर भाप बन के उड़ा। उसकी और अच्छी एग्जांपल है ड्राइंग ऑफ दी वेट क्लोथ्स। आप गीले कपड़े धोकर अलगनी पर लटका देते हैं सूखने के लिए,
मोस्ट ऑफ द वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम दोज वेट क्लोथ्स इनटू द एटमॉस्फेयर, और उसके लिए उनको सिर्फ सनलाइट की जितनी भी हीट है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वेपराइजेशन यानी भाप बन के उड़ने के लिए लिक्विड के दो सेट हैं, एक तो बॉइलिंग के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है डिपेंडिंग अपॉन इफ द वाटर इज प्योर। और भाप बन के उड़ने के लिए एवोपरेशन के केस में किसी फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद है कंडेंसेशन। अब आइए कूलिंग पर। अगर आपके पास ऐसा कोई बंदोबस्त है कि आप जिस वाटर को बॉयल कर रहे हैं उसमें से निकलने वाली जो वेपर्स हैं, जो गैसेस हैं, जो स्टीम है, अगर उसको ठंडा करने का बंदोबस्त है किसी तरीके से, आप उसको ठंडा करके जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको ठंडा करेंगे यानी कूलिंग ऑफ द वाटर वेपर्स रिजल्ट्स इन द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू लिक्विड, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर इस कंडेंसेशन की जगह आप और ज़्यादा कूलिंग बढ़ाएंगे और ज़्यादा ठंडक बढ़ाएंगे तो फिर ये लिक्विड जो बना था अभी वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये तो हुआ कंडेंसेशन। और ज़्यादा कूलिंग करेंगे तो ये लिक्विड जो है ये फिर सॉलिडिफाई होने लगेगा और इसी को कहते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग।